पांच मांग सूत्री है वो भी दिया जाए। सबसे पहले तो हम लोग को ड्रेस कोड दिया जाए, क्योंकि देखिए जब हम लोग मीटिंग करने आते हैं तो किसी को ये नहीं लगता है कि हम लोग मीटिंग करने सात माह से मानदेय नहीं मिला है। वैसे काम तो हम लोग सब करते हैं, तीन महीना में हम लोग सर्वे करते हैं, घर घर जा कर के गृहबर्मा हुआ, शिक्षक हुआ, उनको हर सुविधा मिलती है, जैसे टी जो को वजन करते हैं, पोलियो का काम भी तो है, वो बेच खर्च करके खर्चा करके आते हैं, धरना दे रही है। सात माह से सर वेतन नहीं मिला है सर उसको कुछ। अब हम देख लेते हैं कि क्या परेशानी है, आज ही मुझे ये आवेदन मिला है, बताते हैं। और सर जो श्रम कानून बना है 13184 का, अभी तक इस लोग का मानदेय 3000 रुपया है, उस पर आप लोग ये मानदेय है, मानदेय में और वेतन में फ़र्क समझ, यदि मानदेय और वेतन में फ़र्क समझ जाएंगे तो फिर आपको नहीं लगेगा। इन लोगों को कहा गया कि आप लोगों को हम सम्मान के लिए, लेकिन इन पोषण सखी बहनों का तो मांग है कि हमारा 13184। इन लोगों को रखा गया होगा, ये बताया गया होगा कि आपको हम एक ऑनरेरी जो है पैसा दे रहे हैं, आपके सम्मान में ये पैसा दे रहे हैं, आप लोग अपने मन से काम करने को तैयार हैं, हम आपको एक सम्मानित राशि दे रहे हैं, और सम्मानित राशि में और वेतन में बहुत बड़ा फर्क है, पोषण इन चीज़ों में मत जाइए। पोषण सखी जो बहनें जितना काम कर रही है कोरोना काल में, लेकिन इस लोग का कोई बीमा वगैरह नहीं है, तो ये जो आप कर रहे हैं ये दूसरा बात, चीजों के बारे में सर, ये कोरोना काल आ गया बीच में, इसके पहले ही पोषण सखी जो है काम करती थी, वो अच्छा काम करती है, निश्चित तौर पर अच्छा काम करती है, लेकिन जो समस्याएं हैं वो समस्याओं का उन्होंने मांग पत्र दिया है, हम इसको जहां कहीं भी होगा बात करके इनको बताएंगे कि कैसे इसका समाधान। हम लोग बहुत उम्मीद लेकर आए हैं। बेरोजगारी का मारा विधायक बेचारा दिन दुगुनी बढ़ रहा है, उसका वेतन दुगुना चौगुना, और जो गरीब गुरुआ है, पोषण सखी है, जल सहिया है, सेविका सहायिका है, क्या वो अपना जीवन भर खाए अब जा रहा। नमस्कार, मैं हूं आपका आजाद और आप देख रहे हैं ज्वार न्यूज, और आज जानेंगे कि पोषण सखी बहनों का क्या है समस्या, अब जानते हैं उन्हीं बहनों से। हम लोग की जो मांग पांच मांग सूत्री है वो भी दिया जाए। सबसे पहले तो हम लोग को ड्रेस कोड दिया जाए, क्योंकि देखिए जब हम लोग मीटिंग करने आते हैं तो किसी को ये नहीं लगता है कि हम लोग मीटिंग करने आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग का तो कुछ पहचान ही नहीं है। तो सरकार से मेरा ये निवेदन है कि हम लोग को ड्रेस कोड दिया जाए। फिर दूसरा हम लोग का है मतलब मानदेय वृद्धि किया जाए। वैसे हम लोग का 100 पलते हैं, लेकिन 100 से हम लोग का कोई काम नहीं चलता है, क्योंकि घर में भी हम लोग के बाल बच्चे हैं, घर भी देखना पड़ता है, साथ ही हम लोग का जो है वो सब भी समस्या है। तो इसलिए सरकार से यह है कि हम लोग को 13184 रुपया देना चाहिए। फिर तीसरा है हम लोग का बीमा एवं अवकाश दिया जाए, क्योंकि देखिए हम लोग आते जाते हैं, किसी का घर तो बहुत दूर है ब्लॉक से, तो अगर किसी दिन कुछ हो जाए तो इसके लिए हम लोग को बीमा करना तो ज़रूरी है। फिर चौथा है हम लोग का उच्चतर पदों पर प्रोन्नति की जाए। साथ ही हम लोग बहुत कुछ काम करते हैं जो हम लोग को बहुत कठिनाई से काम करना पड़ता है, साथ ही हम लोग ब्लॉक या कुछ जगह हम लोग मीटिंग करते हैं, वो आना जाना भी हम लोग अपने खर्चे से करते हैं। अगर घर से खर्च नहीं हो पाता है तो साथ में हम लोग घर का चीज़ बेच के या कुछ किसी को मांग करके उधारी करके हम लोग मीटिंग कर लेते हैं। फिर पाँचवा है हम लोग को विभागीय द्वारा नियमावली बनाई जाए, ताकि जिस तरह सेविका और सहिया को मिलता है रजिस्टर सब, वो सब हम लोग को भी नहीं मिला है अभी तक, जिसके कारण हम लोग अपना पैसा से रजिस्टर खरीद के कुछ काम करते हैं, या उसमें हम लोग अपना गृह प्रमाण सर्वे वो सब बना लेते हैं। झारखंड में श्रम कानून बना, और श्रम कानून के तहत महिलाओं को या झारखंड में काम करने वाले अकुशल लोगों को 13184 रुपया मिलना चाहिए। हमारे साथ बैठी है पोषण सखी बहनें, अब उन्हीं से जानते हैं कि क्या ये कानून लागू हुआ या नहीं हुआ, अभी उनका पेमेंट कितना है। दीदी अभी आपका पेमेंट कितना है? 3000। ये देखिए कान में आपका खबर ही नहीं जा रहा है, मात्र इस पोषण सखी बहने को 3000 रुपया मिल रहा है, और ये विधायक लोग अपना पेमेंट बढ़ाते जा रहे हैं, और इन गरीब लोगों को देखने वाले कोई नहीं। विधायक हुआ, शिक्षक हुआ, उनको हर सुविधा मिलती है, जैसे TA ये वगैरह सब कुछ मिलता है, लेकिन हम लोग को ना बीमा का सुविधा मिला है, ना आज तक मानदेय में बढ़ोतरी हुई है, ना ही कोई ड्रेस कोड है, समझिए हमारे पास कुछ भी नहीं पहचान है।
कुपोषित बच्चे को हम लोग उपचार केंद्र हम ही लोग को ले जाना पड़ता है, लेकिन उसका कोई साधन नहीं है, जिसके कारण हम लोग को बहुत परेशानी होती है, जिससे सरकार को सबको सरकार व्यवस्था दिया जाए हम बच्चों को ले जाने के लिए। फलेरिया वाला किस मतलब क्या क्या काम करते हैं पोषण सखी में, क्या क्या काम मिलता है आप लोग को? हम लोग फलेरिया वाला काम करते हैं, सर्वे करते हैं, गृह भ्रमण करते हैं, बच्चों को वजन करते हैं, पोलियो का काम भी करते हैं हम लोग। और सरकार हम लोग आप लोग का मानदेय कितना है? मानदेय 3,000 रुपये। और अभी तक कितने माह से आप लोग मानदेय नहीं मिला है? 7 माह से नहीं। क्या नाम है दीदी आपका? तबस्सुम खातून। तबस्सुम खातून, कहाँ के पोषण सखी हैं आप? पिंडरा मुस्लिम टोला पंचायत। पिंडरा का ना, तो क्या क्या समस्या है आप लोग में, क्या क्या समस्या आता है, क्या क्या काम करते हैं आप लोग पोषण सखी, क्या क्या काम करते हैं? हम लोग मतलब बच्चे का वजन करते हैं, सर्वे करते हैं, गृह भ्रमण करते हैं, टीकाकरण में भी करते हैं, और फलेरिया का भी काम करते हैं, पोलियो का भी काम करते हैं। हम लोग का अभी 7 माह से मानदेय रुका हुआ है, और हम लोग का मानदेय भी कम है, 3,000 रुपया वेतन है। 3,000 रुपये, ठीक। जसोदा देवी। कहाँ के पोषण सखी हैं आप? मैंने कौन गाँव के पिछली तो आप लोग दीदी कौन सा काम करते हैं, इसे पोषण सखी में क्या क्या काम करना पड़ता है? पोषण सखी में गृह भ्रमण का काम करना पड़ता है, बच्चे का वजन लेना पड़ता है, हाइट लेना पड़ता है। अच्छा, आप लोग यहाँ आज क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि हम लोगों का 7 माह से मानदेय नहीं मिला है, और हम लोगों का 5 सूत्री भी का मांग है, वो भी नहीं पूरा हो रहा है, ना हम लोगों का बीमा मिला है, ना अवकाश की कोई सुविधा ही उपलब्ध नहीं है। तो अभी आप लोग कितना दिन से ऐसे बैठक कर रहे हैं और धरना दे रहे हैं? आप लोग जो धरना देने के लिए आते हैं तो 1 साल से धरना दे रहे हैं, तो खर्चा कहाँ से लाते हैं आप लोग? घर में अपना जो है वो बेच खर्च करके यहाँ खर्चा करके आते हैं, धरना देते हैं। ऐसे हम लोग धरना देते रहेंगे तो घर में भी जो है वो भी बिक जाएगा, फिर हम लोग सरकार के पास भीख मांगेंगे क्या? नाम कंचन मरांडी है, और मैं प्रखंड अध्यक्ष हूँ, और मेरा केंद्र का नाम है गादी चौपा आदिवासी टोला, मेरा कोर्ट है 216। 7 माह से मानदेय नहीं मिला है, वैसे काम तो हम लोग सब करते हैं, तीन महीना में हम लोग सर्वे करते हैं, घर घर जा कर के गृह भ्रमण करते हैं, साथ ही टीकाकरण भी करते हैं, उसके साथ साथ महीना में 2 बार होता है पोलियो का भी काम करते हैं, फलेरिया का दवाई भी बांटते हैं, साथ ही बुधवार के दिन हम लोग जो किशोरी को बैठा के दवाई खिला देते हैं वो सब भी काम करते हैं, साथ में वजन के साथ साथ अगर कोई बच्चा का हम लोग कुपोषित पा लेते हैं तो कुपोषण उपचार केंद्र ले जाते हैं, वो भी अपना खर्चा से। तो सरकार से मेरी यह मांग है कि मतलब कि कुपोषित बच्चों को ले जाने के लिए वाहन प्रबंध की जाए, और साथ ही जो हम लोग को 3,000 रुपया मिलता है अभी तो वो भी नहीं मिल रहा है, तो सरकार से मेरा यह निवेदन है कि मतलब 3,000 मानदेय मिलने शुरू हो जाए, मतलब मिल जाए हम लोग को, और साथ ही 5 माह